हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। अकी मैम ऐसे नहीं ना बोलो ना। हेलो गाइज, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हमारे यहाँ राजस्थान में तीज का त्यौहार होता है, तो हम लोग जा रहे हैं पार्क के अंदर, झूला खाने की रस्म होती है। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और इधर हमारी दोनों बेटियाँ भी तैयार हो चुकी है। चले फिर पार्क, चलो है? चलो चले, चलो फिर चलते हैं पार्क। कि कैसे कैसे रस्म होती है, क्या क्या रस्म होती है, मैं आपको वहाँ जाके बताती हूँ। चलो फिर चलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं पार्क के लिए। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी लेडीज आ रही है, वो सब लोग पार्क में ही जा रहे हैं और आसपास की कॉलोनी के ये हैं। तो अभी चल रहे हैं, पास में ही हैं वैसे तो, ज़्यादा दूर नहीं है। चलो फिर चलते हैं, फिर मैं आपको वहीं पे मिलवाऊंगी सबसे और दिखाऊंगी कैसे राजस्थान के अंदर झूला झूलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग रास्ते के अंदर ही चल रहे हैं, अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं और बहुत टाइम लग गया हम लोगों को घर पे ही। कुछ लोग तो वहाँ पे पहुंच चुके हैं और जो हमारे जैसे हैं थोड़ा तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, वो लोग आप देख सकते हैं पीछे आ रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे जैसे ही। गाइज हम लोग पार्क के अंदर एंटर हो चुके हैं, कुछ एक लोग तो आके भी चले गए और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं झूले के पास में। वैसे ज़्यादा भीड़ तो नहीं है क्योंकि हम लोग आने के अंदर लेट हो गए थे, इसलिए कुछ लोग तो चले गए। फिर भी जो हमारे जैसे लेट तैयार होके आने वाले हैं वो लोग। तो अभी हम लोग पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं। तो जी हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं और हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। तो ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज राजावत है, मैं खातीपुरा सिंहभूमी में रहती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ, आपके सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कैसा लगा आपको आज के इस प्रोग्राम में आके? आज के इस प्रोग्राम में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया सबने मिलके। और कुछ बताइए आप, मतलब ये अपने राजस्थानी परंपरा के अंदर ये जो है ये प्रोग्राम, ये जो झूला खाने की जो रस्म होती है, तो ये मतलब ये उसमें नाम भी बताना होता है अपने हस्बैंड का, झूले के ऊपर बैठते हैं, तो मतलब ये सब चीजें आपने भी मतलब यहाँ पे कही कि हम तो लेट हो गए आने में? हाँ जी, हमने भी सबसे पहले हमने यहाँ पे झूला झूला और हमने इसमें झूले में ऐसे परंपरा है कि जब झूला झूलते टाइम अपने हस्बैंड का नाम लेना होता है और उसमें आपको कोई भी एक दोहा या फिर वो जो शायरी के अंदर बताना होता है। पुरातन परिपाटी चली आ रही है, हमने भी इसको फॉलो करा और हमने भी हमारे हस्बैंड का नाम दिया और हमने एक छोटी सी शायरी बोली और बहुत ही मजा आया आज के प्रोग्राम में, बहुत ही मजा। चलो जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ और सब कुछ आपकी हर चीजें देखती हूँ। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आपका जो ये मेरा वीडियो है ये आएगा YouTube के ऊपर, तो आप देखना है ना। चलो जी, जो और भी मेहमान आ रखे हैं यहाँ पे उनसे भी आपको मिलवाने की कोशिश करना चाहती हूँ मैं। तो जी ये देखो हमारे राजस्थान के अंदर ये देखो कितने अच्छे से तैयार होते हैं, ये हमारे राजपूती पोशाकें हैं, ये हमारा कल्चर है राजस्थानी। और कैसा लगा आपको इस प्रोग्राम में आके? बहुत बढ़िया। तो
आप सब भी यहाँ जयपुर पधार के और कभी है ना सावन का महोत्सव का ये मजा लीजिए। तो ये हमारे हरियाली तीज की रस्म होती है, तो ये इस प्रकार से तैयार होते हैं रखड़ी वखड़ी बनती है, हमारी राजस्थानी पोशाक है ये। बोलो आज जो रस्म होती है ना हरियाली तीज से, वो पहले निभाओ कि अपने पति का नाम झूला खा लो फिर झूला खा। नहीं नहीं, पहले अपने पति का नाम लो। पक्का बोल रही हूँ, झूला खाने के बाद में बता दूंगी। ठीक है, बताओ अपने पत्नी का नाम बोलो। अरे जी मैं जब तक आप बोलोगे नहीं ना तब तक आप चलो बता दिया जी के भाई। ऐसे थोड़ी पूरा मुहारे के साथ बोलो, जैसे रस्म होती है ना इस तरीके से बोलते हैं, उसी तरीके से बोलो। चलो मेरे को तो कुछ ज्यादा कुछ आता नहीं है, और हमारी जो दादी साहब है ना वो बोलते थे, तो मेरे को उन्हीं का कुछ याद है, तो मैं उसी तरीके से बता देती हूँ आपको। बोलो जेब, जेब के अंदर जेब, जेब के अंदर जेब, जेब के अंदर पेन, और मैं बना की मैम। ऐसे नहीं, नाम बोलो नाम तभी। जेब के अंदर जेब, जेब के अंदर पेन, मैं जितेंद्र सिंह जी की मैम। तो जी हमारा प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है और अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, और ये हमारी फ्रेंड है जो कि ये भी आए थे पार्क के अंदर, और ये भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो मजे आए ना आज, बहुत बहुत मजे आए है ना। बाय, बहुत अच्छी आई हरियाली तीज, हमने बहुत अच्छी मनाई। चलो जी तो फिर चलते हैं। चलो जी हमारी फ्रेंड तो आए थे इससे स्कूटी से, तो ये जा रहे हैं, हम लोग आए थे पैदल ही, जो हम लोग अभी जा रहे हैं पैदल ही। चलो बाय 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 बाय। चलो फिर। तो जी अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, वहाँ पे बहुत ही धूप और गर्मी थी, इसलिए अभी आके बस अब चेंज करने जा रही हूँ मैं। तो ये हमारे राजस्थानी कल्चर का वीडियो था, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसी लगी ये हमारी राजस्थानी कल्चर रस्म? मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पाई आपको, फिर भी कोशिश मैंने पूरी करी है। तो कैसा लगा आपको ये राजस्थानी कल्चर का वीडियो, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना मेरे को। तो फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।